चांदनी चौक से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन लापता हैं। जी हाँ, चौक गए ना आप? चौकिए मत। दरअसल डॉक्टर हर्षवर्धन को किसी ने अगवा नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो वायदे किए थे जनता से, उसे वो पूरा नहीं कर पाए और अपने संसदीय क्षेत्र से लापता रहे, जिसकी शिकायत लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस के पास पहुंचे और डॉक्टर हर्षवर्धन के खिलाफ अशोक विहार थाने में मुकदमा दर्ज करने की मांग की। तिरपन साल के पंकज गुप्ता आपकी तरफ से चांदनी चौक से उम्मीदवार हैं, जो कारोबारी बहुल सीट है। गुप्ता पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं और सीधे लोकसभा के लिए लड़ रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के मेंबर गुप्ता आपसे शुरू से ही जुड़े रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से उनका नाता 10 बरस से भी ज्यादा पुराना है। बतौर एक्टिविस्ट गुप्ता अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के साथ जुड़े रहे और केजरीवाल के साथ ही राजनीति के मैदान में उतरे। दिलचस्प बात यह है कि केजरीवाल की राजनीति में उतरने से पहले ही पंकज गुप्ता की राय थी कि राजनीति के जरिए बदलाव लाना मुमकिन है। जाहिर तौर पर आपके गठन के साथ ही गुप्ता उससे जुड़ गए। आपको बताते हैं पंकज गुप्ता के बारे में कुछ खास बातें। राजनीति में उतरने से पहले पंकज गुप्ता अमेरिकी कंपनी में काम करते थे। उनका पैकेज 40 लाख रुपए सालाना था। गुप्ता टाटा कंसल्टेंसी से भी जुड़े रहे। आपसे भी पहले केजरीवाल के एनजीओ परिवर्तन से भी गुप्ता जुड़े रहे। आपके चुनाव आयोग में पंजीकरण के काम से लेकर वित्तीय मदद जुटाने तक में वो आगे रहे। देश के दूसरे हिस्सों में आपके फैलाव, दफ्तर खोलने में भी गुप्ता की अहम भूमिका रही। पंकज गुप्ता ने मोतीलाल नेहरू कॉलेज इलाहाबाद से इंजीनियरिंग की है। 2007 में वो जनप्रतिनिधि मंच का हिस्सा बने थे, जिसने दिल्ली में एमसीडी चुनाव में 12 दावेदार उतारे थे। केपी अग्रवाल साहब, एक बार फिर से आपको चांदनी चौक से क्या लगता है, कितनी उम्मीदें, कितनी चुनौतियां? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। कोई पहला चुनाव नहीं है मेरा, ये मेरा 9वां लोकसभा का चुनाव है और इन्हीं दिल्ली की गलियों में घूमते रहे, इन्हीं लोगों के साथ रहे हैं। ये हमारा घर है और चांदनी चौक के लोगों के साथ तो मेरा बड़ा घनिष्ठ रिश्ता रहा है, क्योंकि मेरा जन्म भी वहीं हुआ। तो और जब भी कभी कोई दुख और तकलीफ आई है तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं, कांग्रेस के झंडे के नीचे। सर, आपको क्या लगता है कि 2019 के चुनावों में क्या कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है या फिर बीजेपी ही जीतेगी? मेरे हिसाब से तो व्हाटएवर जो भी शोर हो, लेकिन मेरे हिसाब से कांग्रेस का आना बनता है। मैम, एक बतौर महिला वोटर आप किस तरह से देखते हैं, आपको क्या लगता है कि 2019 में कौन सत्ता में आ सकता है? कांग्रेस आनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने कुछ फैसिलिटी हमें प्रोवाइड नहीं की। 2014 में जो वादे किए थे वो वादे पे पूरी नहीं रही, इसलिए मेरे हिसाब से कांग्रेस को ही आना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक है बीजेपी का, मैं ये तो कहूँगा, इलेक्शन कमीशन को भी मालूम है, अभी इस टाइम दिल्ली के नहीं पूरे इंडिया की जो आवाम है वो यही चाहती है कि कांग्रेस आए। पहली बात तो आप बताओ, चांदनी चौक क्षेत्र से जो भी सांसद बीजेपी का लड़ा है, पहली बात आप बताओ कि दिल्ली चांदनी चौक के अंदर उसका ऑफिस है कहाँ? अगर आज ये बता दे कोई आदमी तो हम कांग्रेस छोड़ देंगे। जो आदमी जमुना पार से आता है और आने के बाद में चुनाव जीतने के बाद यहाँ से गायब हो गया, उस आदमी को तो देखने को नहीं मिलता। हमारे यहाँ लैटरिंग बनी, हमारे ब्रजमोहन शर्मा जी ने बनवाई, हमारे यहाँ सानी साहब ने काम कराया, जितने काम होते हैं आप बता दो, एक भी काम एमपी ने कराया हो यहाँ पे, डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक भी काम नहीं कराया। बदला हमारी ये जगह, हमारी दिल्ली। देखो, कई साल से आप अमेरिका में रह रही? 15 साल से। तो कुछ बदलाव आपको अब आने के बाद लग रहा है या ऐसे? देखो, चांदनी चौक तो ऐसे 15 साल पहले जैसा था, आज भी वैसा ही है। दिल्ली में बहुत चेंजेस आया। क्या बदला? एक तो ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। अच्छा, पॉल्यूशन बढ़ गया है? पॉल्यूशन बढ़ गया है, फ्लाईओवर बन गया है, लेकिन इट डजंट फील लाइक इट हैज चेंज्ड एनीथिंग। सर, आपको कुछ परिवर्तन दिल्ली में नजर आ रहा है? बदहाली हुई है, जो पहले जो काम हुए दिल्ली के अंदर। आप क्या करते हैं? मैं व्यापारी हूँ, मेरी किनारे बाजार में दुकान है। और आपने पूछा, अभी मैं सुन रहा था, सबसे बात कर रहे थे कि ना चांदनी चौक की समस्या क्या है या आज के टाइम में क्या समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या रोजगार और व्यापार की है। चांदनी चौक के अंदर, दिल्ली छः के अंदर, वॉल सिटी जिसे कहते हैं हम लोग, शाहजहाबाद, यहाँ आप एक किनारे से दूसरे किनारे जाके किसी व्यापारी से बात कीजिए, कारोबार नहीं है उसके पास। व्यापारी त्रस्त है, व्यापारी व रोजगार नहीं है, और उसके लिए सरकार कोई उपाय नहीं करे, क्योंकि मिझोला व्यापारी है।
लगता कि कुछ हुआ पांच सालों में? अभी कुछ नहीं हुआ सर, ये और ये खोद खाद के डाल गए, ये भी ऐसे ही पड़ा। कुछ यहाँ पे पब्लिक परेशान है, कोई ग्राहक आता नहीं, एक पैसे का काम नहीं रहा। Thank you.